वाह जबरदस्त। मतलब आयरन मैन में कि वो हवा में सब कुछ करता है। यहाँ पे अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी 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 की दुनिया में आपको खुशामदीद। ये एक यूनिक इंडस्ट्री है। लोगों को स्ट्रॉबेरी के डिज़ाइन नज़र आएंगे, स्ट्रॉबेरी नज़र आएंगी। जबरदस्त, ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी की पहाड़। ये सारा टीम जो है वो स्ट्रॉबेरी वाला है। ये हमारे इंतज़ार कर रहे ये लोग, अब हम अंदर जाएंगे थोड़ी देर में। जी जनाब, जो फैक्ट्री में जाने से पहले थोड़े से कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको 3D इमेजेस से दे दें। ये एक जिनिन सिटी है और इसमें ये फैक्ट्री है। ये इसमें ये ओल्ड सिविलाइजेशन तकरीबन 1000 या 1500 साल पुराना ये सिटी है और इसमें ये स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की जाती है। और ये स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को खाने के लिए दी जाती है, बल्कि इस ये कंपनी की ग्रोथ में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही है, क्योंकि इससे ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी के जूसेस, स्ट्रॉबेरी की जैम, स्ट्रॉबेरी के मुख्तलिफ और चीज़ें बनाई जाती है जो कि सारी AI डेवलप्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी बल्कि जितने भी आप मुख्तलिफ फ्रूट्स देखेंगे तो चाइना ने इसको AI डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ बना दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फैक्ट्रियाँ और ना सिर्फ बिजनेस में तरक्की करे बल्कि इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। यहाँ पे आपको अब जमूरा घूमता हुआ नज़र आएगा। चलो जमूरे घूम जा भाई, घूम जा नवाज जमूरा। जमूरे के साथ अब हमारा पड़ाव आगे की तरफ जाता हुआ हम आपको अब आगे की फैक्ट्री दिखाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। यहाँ पे लोग अपनी वीडियो बनाते हुए, यासर जेब अपनी वीडियोस बनाते हुआ साथ साथ उसके जा रहे हैं शमशेर साहब। और अब हम आ गए हैं एक और जगह पे जहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कैसे स्टोर की जाती है और फिर उससे कैसे मशरूबात बनाए जाते हैं। तो देखते रहिए सिटी ऑफ स्माइल विद डार के साथ। आपको हम ले आए हैं स्ट्रॉबेरी के बागात में। अब तक की हमारे सबसे बेहतरीन विजिट जो है वो है स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री। तुम क्या कह रहे हो इसकी इस बार? इट्स अ गुड एक्टिविटी, यूनिक एक्टिविटी चल रही है भाई। ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे इसकी पिक्चर ले के लिए जा रही है। पिक्चर ले ली, शर्ट तो ये आवाज़ के, और फिर यहाँ पे QR कोड आ जाता है, पिक्चर हो जाती है। ये देखिए, ये भी स्ट्रॉबेरी के टीम है, पूरी स्ट्रॉबेरी उन्होंने बनाई है ज़बरदस्त। पहले जाते हैं हम अंदर स्ट्रॉबेरी के बाहर पे, ज़बरदस्त। यहाँ पे देख ले कि ये लोग अपनी स्ट्रॉबेरीज को कितने हाई लेवल पे ले जा रहे हैं। मतलब स्ट्रॉबेरी अगर देखा जाए तो हमारे KPK मरदान और स्वाबी में बेहतरीन बनती है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन हमारे साथ फैसिलिटी कट नहीं है। और ये देखिए इन लोगों ने स्ट्रॉबेरी कहाँ कहाँ पहुँचा दी है, हर जगह पे कैसे टेक्नोलॉजी ये लोग दे रहे हैं। एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आइए देखते हैं कि हम सिर्फ हवा में ही हाथ लहराते हैं जिस तरह आयरन मैन में था, और ऊपर आपकी फुल स्क्रीन में वो चीज़ें आती हैं। मतलब फिज़िकली वहाँ पे कुछ नहीं होता। मतलब आयरन मैन में कि वो हवा में सब कुछ करता है। यहाँ पर अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये आप लाइव देख सकते हैं। मैं इसको टच करता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर से वो काम आ जाता है सब कुछ। ये हवा में स्क्रीन ज़बरदस्त, इसमें आप कुछ नहीं। ये स्ट्रॉबेरी के अकसाम हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रॉबेरीज हैं यहाँ पे, हर जगह पे स्ट्रॉबेरीज के अकसाम हैं। तो AI पे इन लोगों ने स्टार्ट की हुई है ना,
कि हमारे पाकिस्तान में तो ख़राब हो जाते हैं, इन्होंने ये स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट, ये इनोवेशंस की है अपने फ्रूट्स के लिए। ये देखें, ये ज़बरदस्त हो गया है और साफ़ सुथरा माहौल में साफ़ सुथरा स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी की टेस्ट यहाँ पर बेहतरीन है। वो हम किस तरह हमने बताया कि मुख्तलिफ अकसाम, ये देखें सफ़ेद स्ट्रॉबेरी, रेड स्ट्रॉबेरी एंड मुख्तलिफ और किस्म के स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तो बना है वही, वो डिज़ाइन बने हैं ना। ओके ओके ओके, ये आए हम भाई 3D स्ट्रॉबेरी की दुनिया में, 3D नहीं 5D स्ट्रॉबेरी की दुनिया में। ये ज़मीन पे भी है, ये शीशा है हर जगह पे, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है भाई इधर, इन्होंने जिस तरह एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया है तो अनबिलीवेबल, दिस इज़ टोटली अनबिलीवेबल। और मैं एक बात सोच रहा था कि हमारी भी स्ट्रॉबेरी बेहतरीन है लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरे दिन ही ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में के फार्म और फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन अगर इसको अगर हम कर ले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ तो ये रेवेन्यू इंडिविजुअल की भी है और साथ में मुख्तलिफ इलाकों की भी बढ़ सकती है। और ये सच इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, बस थोड़े से टेक्निक सीखने चाहिए हमें। ये बिल्कुल, चाइना जो कि हमारी नज़दीक है और पाकिस्तान का एक अच्छा पार्टनर भी है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर गवर्नमेंट लेवल भी पर भी हम काम कर सकते हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आ जाए इसको एक्सप्लोर करते हैं। जी तो थोड़ी सी शोखी मान लेते हैं और ख़ुद को हीरो समझते हैं। आप लोग समझे या ना समझे, मैं तो हीरो हूँ। ये मैं हूँ और ये मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ ज़बरदस्त वीडियोस बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करता जाऊँगा। अब जा रहे हैं हम जी आइसक्रीम की साइट पर, यहाँ पर हम ये क्या है। जी जनाब, तो यह मेरी बोलती बंद हो गई थी, मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि रियाज ने बताया कि यहाँ पे हम गेम खेलेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ये कुछ और ही गेम था भाई साहब। वो इस तरह था कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी की बेस्ट पे ये इन्होंने आइसक्रीम वाली बिस्किट बनाई, वो जो कौन हम इसको कहते हैं, फिर उसको उठाया और फिर वो डिज़ाइन दिया, साथ हमारी जो चाची खड़ी है उसने उसमें डिज़ाइन दे दिया और उसी डिज़ाइन से फूल जैसा आइसक्रीम बन के आ गया, जो बहुत ही मज़े का था। यूनिक आइसक्रीम विथ टेस्ट एंड क्वालिटी बेस्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ट और बहुत मज़े का आइसक्रीम था। मैंने खुशी से 2 कप खाए थे। वाह जबरदस्त। और चाइनीज में इसको कहते हैं क्या, हाउ हाउ चो हाउ चो, जबरदस्त बेहतरीन टेस्ट है भाई। मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं कि जो भी है, लेकिन बेहतरीन टेस्ट बनाया है इन लोगों ने और ये मेरी वीडियो भी बना रहे हैं। यस, तुम क्या कहते हो इस बारे में? और सब खैर से ऐसे नदीदों की तरह आइसक्रीम खा रहे हैं जैसे हम ये फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खा रहे हो, लेकिन वाकई हम ये रोबोट वाली आइसक्रीम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, जो कि इंतहाई लजीज और खस्ता थी और इसका जो बिस्किट था वो भी बेहतरीन टेस्ट का था। ये आ गए जी स्ट्रॉबेरी की बागात। तो जनाब मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो लेब होता है उसमें स्पेशल किस्म के पौधे बनाए जाते हैं और यही पौधे फिर सालों साल फ्रूट देते हैं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश स्ट्रॉबेरी आपको प्रोवाइड की जाती है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको अब लिए चलता हूँ स्ट्रॉबेरी के बागात में। ये चीज़ मेरे अजीज, फाइनली हम आ गए हैं टेक्नोलॉजी से भरपूर स्ट्रॉबेरी के बागात में, और ये आम बागात नहीं है भाई, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे हैं और इससे प्रोडक्शन बहुत होती है।
और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी कैमरामैन भी मौजूद थे। ये देखिए ज़रा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ यही पौधा। हमें बताया गया है कि नवंबर में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्टार्ट हो जाती है, और इसी ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दिया था ये कंट्रोल बेस्ड है, और यही रोबोट की वजह से ये सारा फैक्ट्री का जो एरिया है ये कंट्रोल होता है। नवाज़ अभी तक आइसक्रीम खा रहा है, पता नहीं इसने कितने उठाए थे, मैंने तो दो खाए थे, नवाज़ का पता नहीं कि इसने कितने आइसक्रीम उठाए थे। चलो खैर, ये मैं आपको फिर लिया चाहता हूँ यहाँ पे पूल खुशबू खुशबू। यहाँ पे ये अकसाम है मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रॉबेरीज की, और उनकी लिखाई भी लिखी गई है यहाँ पर। थोड़ा सफ़ेद, ये डार्किश, ये रेडिश है, और ये थोड़ा सा यूनिक है मेरे लिए क्योंकि ये वाली स्ट्रॉबेरी मैंने अभी तक नहीं देखी। बाकी ये सारी तीनों, ये वाली मैं चाइना में खा चुका हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं देखी, ये भी मैं खा चुका हूँ, ये सफ़ेद वाली अभी तक मैंने नहीं देखी, और अब कोशिश करूँगा कि ये सफ़ेद वाली भी खा लूँ कि ये कैसी है। तो देखते हैं, आप लोग को हम दिखा देंगे कि नवंबर में जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी निकलेगी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आप लोग को दिखा भी दूँगा। यहाँ पे हाँ नीचे यहाँ पे इनके पाइप वगैरह लगाए हुए हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ये इसकी स्पेशल सॉइल है, इसका सॉइल भी स्पेशल है, मतलब वो सादा मिट्टी नहीं है, सॉइल इसका स्पेशल है। और ये कह रहे कि ये ऑर्गेनाइटेड, मतलब ये मुजर सेहत नहीं है, ये सॉइल ये इनके लिए स्पेशल बनाई जाती है। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि हमारे लिए तो छोटी नहीं खैर बड़ी होगी ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। हम जो वहाँ पे करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30-40%, और उसमें भी हमारे साथ कुछ नहीं बचता, लेकिन यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन में आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन छोटे से, मतलब एज सच इन लोगों ने इतने ज़्यादा पौधे नहीं लगाए हैं, बस छोटे से जगहों पर ये लोग मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, ये कम से कम यहाँ पे 10-12 तो हमने देख लिए है, और मैं आपको सिर्फ ये एक ही वाला दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ये मिट्टी 20 साल तक रहेगी, मतलब आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, 20 साल तक ये मिट्टी दोबारा यूज़ हो सकती है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही आप इसको 20 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल किस्म की जो है उन्होंने खाद वगैरह या कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो ऐड किए हैं उस मिट्टी के अंदर, इस वजह से जो है मतलब ये चीज़ है। देखें साथ में ये, अब ये पता नहीं ये किस चीज़ के बीज हैं या कोई जड़ी बूटियों की तरह है क्या है। पहले जो है ना ये हाफ सिस्टम बनाया, ठीक है, ये समझ लो ये हाफ सिस्टम बनाया, इस हाफ सिस्टम के बाद जो है उन्होंने ये हाफ सिस्टम बनाया। फिर जब उन्होंने दिखाई है हमारी सेल हमारी चीज़ें जो है वो देते हैं, उन्होंने हाफ के ऊपर जो है वो दोबारा ऊपर बना ली जाए। बेहतरीन बात बताई है कम्युनिटी के सिलसिले में, और स्पेशली एग्रीकल्चर की ज़मीन के हवाले से। रियाज भाई आप खुद बताएं। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जब इनकी, अब सारे लोग जानते हैं कि ये इनकी आबादी जो है वो चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्होंने जो है वो अपना वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक तो बिल्डिंग्स जो है वो हाईफाई कर दी, आपको जो है वो एक ही प्रॉपर सेक्टर के अंदर जो है वो 25-25, 30-30, 50-50 मंजिल जो है वो दे दी। उसके साथ में ये किया उन्होंने कि इन्होंने अपने जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जो है वो तबाह नहीं किया, ठीक है, इन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो लाइक जितनी भी आप देख रहे हैं कि कल्टिवेशन के लिए जो इन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं वो उन्होंने उसका जो रकबा है वो कम नहीं किया। इन्होंने जो है वो लोगों को रहने के लिए जो है वो 20 मंजिल, उसके बाद 25, फिर 30, फिर 40, मतलब उसको जो है वो ऊपर बढ़ा दिया, लेकिन अपने विलेज वाली साइड को जो है वो उसको कम नहीं किया।